IPL 2024 is starting on March 22nd. सेकेंड बहुत एक्साइटमेंट हो रही है बहुत मजा आ रहा है फील हो रही है और डब्ल्यू पी एल के मैचेस ने एक बहुत सही प्लेटफॉर्म ले कर दिया है फॉर आई पी एल कमिंग इन बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं इंजरीज हैं. ऑक्शन हुआ नए प्लेयर्स आए कोई यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस की बात करते हैं क्रैकर ऑफ अ मैच होगा और आई थिंक पहले मैच में हमेशा थोड़ा सा ये एक्साइटमेंट रहती है कि वॉट आर द टीम लुकिंग लाइक उनका हाउ आर द शेपिंग अप उनका कॉन्फिडेंस लेवल्स क्या है ऑफकोर्स धोनी को वापस देखना इज अ ड्रीम धोनी वर्सेज कोहली इज ऑल्सो ड्रीम बट अभी तक BCCI ने सिर्फ अप्रैल सेवन तक फिक्स निकाले हैं मार्च बाईस से लेकर अप्रैल सेवन तक उसका रीजन ये है कि ऑफ कोर्स इलेक्शंस हैं इस साल और आ, थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे रहेगा वन ऑफ द नोटेबल थिंग्स दैट वी विल सी इज कि दिल्ली के मैचेस अभी तक दिल्ली में कोई भी मैच कोई भी होम मैचेस को शेड्यूल नहीं किया गया है दिल्ली के करंट मैचेस आर तो मैचेसूल फॉर विशाखापट्टनम अप्रैल सेवन के बाद क्या होगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा बट फिलहाल दिल्ली के फैंस थोड़ा मिस करेंगे दिल्ली कैपिटल्स को बट होपफुली होपुलिसब्ल्यूपीएल में इतना दिल्ली कैपिटल्स में मैचेस दिल्ली में मैचेस हो गए हैं कि स्मॉल ब्लिप विल नॉट मैटर सो बिफोर वी सी हाउ टीम्स आर लाइनिंग अप आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द मिनी ऑक्शन दैट हैपेंड इस ऑक्शन से बहुत क्रिटिकल प्लेयर्स कुछ कुछ टीम्स में गए हैं और वो बहुत ही ज्यादा गेम चेंजिंग रहेंगे सबसे पहली ऑब्जर्व

जॉर्ज हेजलवुड आदिल राशिद ये सब लोग अनफॉर्चुनेटली अनसोल्ड रहे इन द ऑक्शन दो और बहुत नोटेबल चीजें हुई हमारे ऑप्शन में एक सिक्स हिटिंग मशीन के लाते हैं समीर रिजवी जो यूपी के हैं उनको सीएस ने लिया इंडिया के अनकैप्ड प्लेयर हैं एट पॉइंट फोर क्रोर्स के लिए आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइन की अगर आप यंग हो अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और अगर आप पोटेंशियल रखते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको 50 लाख 20 लाख अपने बेस प्राइस पे शुरू करना पड़ेगा यू कैन गेट द बॉल रनिंग

कहीं एक हिट लेगी थोड़ा बहुत जहां पे प्लेयर्स की या इंजरी वजह से एक अच्छे लेवल के प्लेयर्स मिस आउट करेंगे सो इफ यू सी गुजरात टाइटंस में आप देखो शामी इंजर्ड है बहुत ही क्रिटिकल बॉलर है वहां के लिए सी में डेविन कॉनवे अब अनवेलेबल हैं, इंजर्ड है मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या थोड़ा सा एफी है डेली में हैरी ब्रुक इज इज इंजर्ड राजस्थान रॉयल्स में प्रसिद्ध कृष्णा इंजर्ड हैं तो हर हर एक लेवल पे जेसन रॉय इंजर्ड हैं के के आर में तो हर एक लेवल पे थोड़ा सा एक हिट लग रहा है टीम्स को अनफॉर्चुनेटली अब आगे बात की जाए कि कौन से प्लेयर्स इंपैक्ट क्रिएट करेंगे सबसे ज्यादा कौन से हमारे ऑरेंज और पर्पल कैप कंटेंडर्स होंगे अगर आप ऑरेंज कैप में देखा जाए तो आई थिंक थोड़ा जो ट्रेंड है लास्ट एक दो साल का वो कंटिन्यू रह सकता है गिल वॉज एन एक्सेप्शनल स्टैंड आउट परफॉर्मर इस साल कैप्टन भी बने हैं गुजरात टाइटंस के तो मुझे लगता है कि वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलेंगे आई होप वो प्रेशर के अंडर ना आए वो डेफिनेटली कंटेंडर हैं। रोहित शर्मा हैज हैड अ वेरी अप एंड डाउन काइंड का ईयर बट मुझे लगता है एक फॉर्म बिल्ड कर लिया उन्होंने पिछले आईपीएल से वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी उनका एक रोल था वो रोल आईपीएल टी ट्वेंटी फॉर्मेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा फिर देखा जाए तो अपने विराट कोहली ही विल डेफिनेटली कंसिस्टेंटली परफॉर्म उसके बारे में कोई डाउट नहीं है थोड़ी एक ब्रेक लिया उन्होंने तो हो सकता है की एक दो चार मैचेस लग जाए टू कम बैक इन टू स्प्रिंग इन टू एक्शन लेकिन कंसिस्टेंटली तो परफॉर्म करेंगे बट द प्लेयर आई एम मोस्ट एक्साइट

पिक की कौन एक्चुअली पर्पल कैप जीत पाएगा ले पाएगा लेकिन ये चार पांच लोग कंटेंशन में आई डोंट वांट डों को मिले किसी इंडियन को मिले तो मजा आएगा वुड बी अमेजिंग बट जिस हिसाब से उनका रोल रहता है वो थोड़ा ये है कि अप फ्रंट एक दो विकेट निकाले और फिर एंड में थोड़ा कंटेन करें तो यूजअली उनको सत्ताईस तीस विकेट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बट आई वुड सी आई वुड लव टू सी बुमरा गेट द पर्पल कैप दिस टाइम ऑल इन ऑल ये प्रिडिक्ट करना तो अभी बहुत ही मुश्किल है सीजन शुरू होने से पहले की कौन सी टीम जीतने बट टू थ्री वेरी एक्साइटेड अबाउट नंबर वन अगर पंथ वापस आते हैं डेली के लिए खेलते हैं कैसी परफॉर्मेंसेस देते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए. नंबर टू ये जो दो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं, जिनको इनसेन प्राइस पॉइंट्स दिए गए हैं, वो बहुत ही ज्यादा कैसे परफॉर्म करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा एंड नंबर थ्री ऑलवेज जब से धोनी इंटरनेशनली खेलना बंद करें वन ऑफ द बिग थिंग्स एड आई लुक फॉर्व टू इन आई पी एल इज फॉर धोनी टू रिटर्न एंड जस्ट सी हिज मैजिक अगेन दो थ्री थिंग्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस आई पी एल द मोस्ट वॉट अबाउट यू गाइज आपको क्या लगता है कि क्या मैजिकल मोमेंट्स होंगे कौन पर्पल कैप विनर्स होंगे कौन ऑरेंज कैप विनर्स होंगे विच टीम विल डू वेल प्लीज सेंड सम सम्स एंड योर थॉट्स चाओ गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल